ना समझी, ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव कि जब चाह आकर कंगन पहना गए, जब चाह चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी, और जब चाह आकर खड़े हो गए तो पारों में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेके आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर, इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर उस चांद पर ताक जो है।